महेंद्र सिंह धोनी की चोट पर कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया है बड़ा बयान, किया है बड़ा खुलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एसके स्पोर्ट्स के और नई वीडियो में। तो दोस्तों, चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जा रहे मैच में महेंद्र सिंह धोनी की लगी चोट पर अब सीएसके टीम के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया है बड़ा अपडेट। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो बढ़ते आगे और देखते आज के पूरी अपडेट। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ विकेट कीपिंग के दौरान दर्द में दिखे। गुजरात के पारी को 19वें ओवर के दौरान विकेट कीपिंग करते हुए धोनी ने लेग साइड में एक ड्राइव लगाई, जिसके बाद वह तकलीफ में लग रहे थे, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गए हैं और मैच के आखिर तक वह मैदान पर बने हुए दिखे। मैच खत्म होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि धोनी अगले मैच में न खेले, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि घुटने में चोट के कारण धोनी का पहला मैच खेलने पर भी संदेह था। हालांकि सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इस पर सब कुछ अटकने पर विराम देते हुए कहा है कि धोनी प्री सीजन के पूरे महीने अपने घुटने की देखरेख करते थे, लेकिन आज यह सिर्फ क्रैप था। वह 15 साल पहले जैसे तेज और फुर्तीले नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह अभी भी टीम के लिए एक बेहतरीन लीडर है। वह अपनी सीमाएं जानते हैं और वह मैदान पर एक मूल्यवान खिलाड़ी है, वह एक लीजेंड भी है और वह अब आने वाले मुकाबलों के लिए तैयार भी है। तो दोस्तों, आज की जानकारी में इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।